दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले मुकाबले से पहले अभ्यास सत्र में उमरान मलिक ने कुछ ऐसा इतिहास रच दिया जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ भी हैरान हो गए। दरअसल पहला मुकाबला खेलने के लिए दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम भारत और साउथ अफ्रीका की टीम अब याद कर रही थी, जिसमें भारत की तरफ से जम्मू एक्सप्रेस के नाम से पहचाने जाने वाले तेज गति के गेंदबाज उमरान मलिक ने बहुत ही जबरदस्त गेंद डालकर एक गेंद 63.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाल दी, जिस पर खुद मॉनिटर भी हैरान रह गए और सभी खिलाड़ी दंग रह गए और बार बार स्पीडोमीटर चेक करके उमरान मलिक को बधाई देने लगे, जिसमें भारतीय कोच राहुल द्रविड़ भी खुश हुए और उमरान मलिक को इसी तरीके से बेहतरीन गेंदबाजी के लिए बधाई दी। लेकिन अभ्यास करते समय तय की गई गेंद को वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं कहा जा सकता। हालांकि सबसे तेज गति की गेंद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 161.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शोएब अख्तर ने डाली थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, उमरान मलिक शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।